शालोरा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेरी टेस्टी वेरी यम्मी रमजान स्पेशल शीरकुरमा, जो मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ और माय फेवरेट है। इसके लिए लगने वाली सामग्री है, ये मैंने दूध लिया है हाई फैट वाला 1 लीटर, सेवई ली है 50 ग्राम, शुगर लिया है 150 ग्राम, फ्रेश कोकोनट लिया है 1 कटोरी, 2 बड़े चम्मच खसखस, 10 से 15 पीस बादाम, 4 चम्मच, 10 से 15 काजू, हरा पिस्ता 10 से 15, अखरोट 4 से 5 पीस, टेस्ट के लिए जायफल पाउडर, वेलची पाउडर, देसी घी, और हमने टेस्ट के लिए सैफरन लिया है, इसे कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। ड्राई फ्रूट्स मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रखे हैं, इसके साथ में मैंने खसखस भी भिगोए हुए है, और हमें कोकोनट और खसखस का मिक्सी में जूस निकालना है और सूखे कपड़े से छान के लेना है। ड्राई फ्रूट्स को हमें छिलके निकाल के इस चॉपर के मदद से हमें बारीक कट करना है। ये मैंने यहाँ पे कोकोनट और खसखस का जूस निकाला हुआ है मिक्सी में, और मैंने चॉपर से कट किया है। ड्राई फ्रूट्स बारीक और पतले हो गए हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से, ये आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए मैंने रखा है, तब तक हम पैन में 2 चम्मच घी डाल के सेवई और ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके लेते हैं। हमने पैन में घी डाला हुआ है, अभी हमारे अच्छे से गर्म होएगी तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसको हमें ज्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ हल्का सा कलर आने तक उसको फ्राई करना है अच्छे से। अगर ज्यादा कलर ज्यादा आप भून लेंगे इसमें तो ये काला हो सकता है और हमारा घी का शीरकुरमे का टेस्ट चेंज हो सकता है। ये देख सकते हैं आप, हमारे ड्राई फ्रूट्स हल्के से फ्राई हो चुके हैं, कलर भी थोड़ा हल्का उसको आया है अच्छे से। तो अब हम इसको निकाल देते हैं प्लेट में। अभी देख सकते हैं हम इसी तरह से आप हमारे सेवई भी थोड़ा फ्राई करके लेंगे घी में। ये हमारा घी गर्म हो चुका है यहाँ पे, तो हम इसमें अब सेवई ऐड करते हैं। हमें सेवई भी हल्के से फ्राई करके लेना है, इसका भी कलर थोड़ा चेंज होना चाहिए सेवई का, ज़्यादा हमको इसको फ्राई नहीं करना है। हमारी सेवई भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल देते हैं प्लेट में। ये देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। और इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से हिलाना है ताकि शक्कर हमारे अच्छे से पिघल जाए। अब हम इसमें सेवई डालते हैं। और उसको अच्छे से हम हिलाते हैं, मिक्स होना चाहिए अच्छे से ताकि हमारी सेवई अच्छे से फूल जाए दूध में। इसके लिए हमें 1-2 मिनट इसको ऐसे ही चलाना है। आप देख सकते हैं हमारी सेवई लगभग तैयार हो चुकी है, अच्छे से फूल गई है सेवई हमारी। अब इसमें जाएंगे ड्राई फ्रूट्स। हमने ड्राई फ्रूट्स थोड़े गार्निशिंग के लिए रखे हुए हैं। हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये देखिए, अब हम इसमें कोकोनट और खसखस का दूध ऐड करते हैं। ये हमें धीरे धीरे ऐड करना है ताकि हमारा दूध फटे ना। ये देखिए, ये हम अभी खसखस का दूध डालते हैं इसमें, और इसके लिए हमें गैस की फ्लेम लो ही रखना है।
इसको अच्छे से थोड़ा सा हल्के से चलाना है बस। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया दूध इसमें, ये देख सकते हैं परफेक्ट है। अब इसमें हम 2 छोटे चम्मच घी डालेंगे। इलायची पाउडर, इससे खुशबू बहुत बढ़िया आती है, और थोड़ा जायफल पाउडर। और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं हमारा शीरकुरमा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है अच्छे से। तो अब हम इसमें सैफरन ऐड करते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें क्योंकि इससे कलर और खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारे शीरकुरमे की टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी बन चुकी होगी, शायद खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है, आप देख सकते हैं परफेक्ट बनी है शीरकुरमा, परफेक्ट बना है, कलर भी बहुत बढ़िया आया है और खुशबू भी तो लाजवाब आ रही है उसकी। तो हम हमने गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं और एक सर्विंग बाउल में हम इसे सर्व करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आ रही है इसकी, ये देख सकते हैं आप, परफेक्ट गाढ़ी बन चुकी है हमारी शीरकुरमा। शीरकुरमा बाउल में निकाल दिया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब हम इसको थोड़ा गार्निशिंग करते हैं, इसके लिए हम इसके ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालते हैं जो हमने बचा के रखे थे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और थोड़ा हम इसको सैफरन ऐड करते हैं, ये देख सकते हैं हमारा शीरकुरमा परफेक्ट बना है और रेडी है खाने के लिए। और अगर आपको ये मेरे शीरकुरमा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।